हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवीर। आज की वीडियो में हम लोग मेंस लेवल पजल सॉल्व करेंगे, जो कि फिगर बेस्ड पजल है, जो कि आपके आगे आने वाले सभी मेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टार्ट करते हैं। और मेंस की पजल स्टार्ट करते टाइम मेरा सजेशन ये रहता है कि आप इस वीडियो को पॉज करिए और उसको आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। बन जाती है तो अच्छी बात है, तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा एंड में जाके, और अगर नहीं बन पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। आप समझ पाएंगे कि हम क्या अप्रोच यहाँ पर फॉलो करते हैं टू सॉल्व दिस पजल, राइट। अच्छा, मेंस के एग्जाम में एक बात आपको और ध्यान रखनी है, पजल सॉल्व करते टाइम आपको सब जो लिखा है यहाँ पर होता है, काफ़ी सारा लिखा हुआ होता है, बहुत बड़ी पजल आती है, बट इतनी मुश्किल नहीं होती है, बस लिखा हुआ बहुत ज़्यादा होता है तो देखने में बहुत बड़ी लगती है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो रीडिंग हैबिट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग हैबिट और अंडरस्टैंडिंग हैबिट, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जब रीड करोगे तो आप समझ पाओगे कि वो कहना क्या चाह रहा है, जब आप समझ पाओगे तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, तभी आप जल्दी से इसको बना पाओगे, राइट। हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश वाले यहाँ से आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और हिंदी वालों के लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वीडियो को पॉज करिए आराम से बना लीजिए। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पर्सन, 6 लोग, दे आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल, इस तरह से बैठे हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आर फेसिंग टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। 6 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 में से इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बाहर देख रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन अंदर देख रहे हैं, मतलब 3 लोग बाहर देख रहे होंगे, 3 लोग अंदर देख रहे होंगे, राइट। फिर लिखा है कॉइन इज टॉस बिटवीन 2 पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक कॉइन उछाला जाता है जो पर्सन आमने सामने बैठे हैं, मतलब सपोज एक ये जो 1 पर्सन है इसके सामने 4th वाला बैठा होगा, इन दोनों में से कोई एक हेड पर होगा और कोई एक टेल पर, एक कॉइन में दो ही चीजें होती हैं, या तो हेड या फिर टेल, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, वन ऑफ देम कॉल्स फॉर हेड्स एंड द अदर वन कॉल्स फॉर टेल्स, एक कोई हेड के लिए कॉल करता है, एक कोई टेल के लिए कॉल करता है। ऑल द 3 पर्सन हु कॉल्स फॉर हेड, अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि 6 लोग हैं, 3 लोग आमने सामने बैठे हैं और 3 लोग के पास हेड आएगा, 3 के पास टेल आएगा, 3 के पास क्या आएगा हेड और 3 के पास क्या आएगा टेल। जो हेड वाले लोग हैं वो क्या लिखा हुआ है, ऑन द कॉइन एंड द 1 पर्सन हु कॉल्स फॉर टेल, और टेल में से 1 पर्सन, एक टेल वाला, दे मूव टू आउटर स्क्वायर टेबल, 3 लोग ये वाले हेड वाले और एक टेल वाला, देख ये लोग कहाँ मूव करते हैं, ये लोग मूव कर जाते हैं स्क्वायर टेबल, जो स्क्वायर बना हुआ है 7, 8, 9, 10 वाले नंबर, यहाँ पर मूव कर जाते हैं इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम रहेगी जैसे कि सर्कुलर वाले में थी, दे आर ऑन द सर्कुलर टेबल, फिगर यहाँ बताया गया है, इस फिगर में ही आपको इन्हें सेट करना है, राइट। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर बेसिक बात की ये क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि 6 लोग आपको यहाँ पर बैठाने हैं, आमने सामने वाले लोग जो होंगे वो हेड और टेल वाले होंगे, एक हेड होगा उसमें से एक टेल होगा, और 3 हेड होगा 3 टेल होगा, 3 हेड में से 3 हेड तो 3 हेड पूरे पूरे, और 3 टेल में से एक टेल वाला पर्सन कहाँ जाएगा, ये 4 लोग कहाँ जाएंगे, ये 4 लोग मूव कर जाएंगे स्क्वायर टेबल पर, स्क्वायर टेबल पर मूव करने के बाद ये लोग जो इनका डायरेक्शन है वो सेम रहेगा और इनको आपको इसमें सेट करना है, ठीक है, इतना इन्होंने को बोला। अब बनाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, ऐप पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा रीजनिंग का, जो कि प्री और मेंस लेवल के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको प्री के सारे टॉपिक वाइज ऑल कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस मिल जाएंगी, मेंस की आपको हाई लेवल पजल्स मिलेंगी, जो कि 30+ पजल्स यहाँ पर सॉल्व की हुई है मेंस लेवल की, प्री की भी काफ़ी सारी की हुई है, 11 टाइप ऑफ पजल हैं प्री की भी, और एक टाइप पर हमने 3 पजल्स सॉल्व की हुई हैं, तो यहाँ पर भी आपको 30+ पजल्स प्री की भी मिल रही हैं, सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप इसको ऐप पर जाकर जरूर देख सकते हैं इस कोर्स को। अच्छा, आगे बात करते हैं, यहाँ पर कमीशन नोट डाउन करेंगे क्या लिखा हुआ है, द वन हु कॉल्स फॉर हेड, जो हेड के लिए कॉल करता है या हेड के लिए बोलता है, सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ ई ऑन द सर्कुलर टेबल, यहाँ हमें ध्यान रखना है कभी ये सर्कुलर बोल रहा है कभी स्क्वायर बोल रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने हमको बोला कि जो ई है, ई के तुरंत लेफ्ट में जो पर्सन आया है, तुरंत लेफ्ट में, पता नहीं ये भी कहाँ फेस कर रहा है, बट ई के लेफ्ट में जो पर्सन आया है वो हेड के लिए बोल रहा है, ठीक हो गया। अब आगे लिखा हुआ है ए हु सिट्स ऑन द स्क्वायर टेबल, अब हम स्क्वायर वाली बात यहाँ पर लिख लेंगे, सब सारी बात जो स्क्वायर वाली है वो यहाँ लिखेंगे और जो सर्कुलर वाली है वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। स्क्वायर में जो ए है वो बैठता है और वो कहाँ है, एफ के लेफ्ट, मतलब बस ये बोल रहे हैं ए स्क्वायर में है लेकिन सर्कुलर टेबल में वो एफ के लेफ्ट में है, तो ए कहाँ पर है, ए जो है वो एफ के लेफ्ट में आ जाता है, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। फिर बोल रहे हैं एफ एंड ई आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द सर्कुलर टेबल, एफ और ई जो है वो एक दूसरे के आम सामने बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल की बात कर रहे हैं, एफ और ई हमने यहाँ लिख दिया इसको। फिर बोल रहे हैं डी एंड ई आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन द स्क्वायर टेबल सच दैट, इस तरह से ए सिट्स टू इमीडिएट लेफ्ट
ऑफ ओनली डी, डी के लेफ्ट में ही हैं केवल, ठीक है, बाकी पर्सन के राइट में होगा, ऐसा कुछ होगा। स्क्वायर टेबल की बात कर रहे हैं कि जो डी है और जो ई है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं, और जो ए है वो कहाँ है, वो डी के लेफ्ट में है, इस तरह से कुछ, ठीक है। ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। फिर बोल रहे हैं बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, हु कॉल्स फॉर द टेल एंड बोथ आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन इन द ऑन द सर्कुलर टेबल। बोल रहे हैं कि जो बी है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, और जो सी है वो टेल के लिए कॉल करता है, और ये जो बी और सी है दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं, दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सर्कुलर टेबल, इस टेबल में। एफ इज नॉट सिटिंग ऑन द स्क्वायर टेबल, एफ स्क्वायर पर नहीं है, मतलब एफ यहाँ पर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है हमको। फिर क्या पॉइंट बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं बी जो है, बी इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू एफ ऑन द सर्कुलर टेबल, बी और एफ जो है वो साथ में नहीं बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल की बात कर रहे हैं। द पर्सन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, जो ए के तुरंत लेफ्ट में है, कॉल्स फॉर अ हेड ऑन द सर्कुलर टेबल। ए के जो भी पर्सन है, ए उसके लेफ्ट में जो भी पर्सन आएगा यहाँ पर, वो किसके लिए बोल रहा है, वो हेड के लिए बोलता है, सर्कुलर टेबल की बात कर रहा है, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अच्छा, ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या बोल रहे हैं, द पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, जो ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑन द स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि जो ई के लेफ्ट में पर्सन आया है, जो भी पर्सन यहाँ पर आया है लेफ्ट में, ये वाला, वो स्क्वायर टेबल के में मतलब बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब जो ये पर्सन है वो कहाँ दिखेगा, वो आउटसाइड द स्क्वायर टेबल, है ना, स्क्वायर टेबल की बात कर रहे थे, आउटसाइड फेस करेगा कौन सा, ई के लेफ्ट वाला पर्सन, राइट, ये भी बात हो गई। अब लास्ट पॉइंट रह गया क्या, द पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ए, जो ए के सामने बैठा हुआ है ऑन द स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल पे, दे आर डज नॉट फेस इन द सेम डायरेक्शन एज हिम। ए के सामने जो भी पर्सन बैठा हुआ है, ए के सामने वो पर्सन और ये जो ए है वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहे हैं, दे आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सारी कंडीशन को नोट डाउन कर लिया। अब बनाना है हमको, सबको इस पर सेट करना है इस फिगर में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे ई से, क्योंकि हमें ई से पता है, ई से एफ पता है, और एफ फिर हमें ई से पता है कि बी नहीं रख सकते, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ई देख किस तरफ रहा है, मतलब इनसाइड फेस कर रहा है या फिर आउटसाइड फेस कर रहा है। तो यहाँ पर हम दो पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे। अब स्पेस की थोड़ी सी कमी है, या फिर मैं ये बोलूंगी आप मेंस में आराम से बनाओ, क्योंकि टाइम तो है आपके पास, बस आपको गलती नहीं करनी है, थोड़ा जल्दी बनाना है, इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक ही वर्ग को लेके बैठ जाओ। तो यहाँ पर हमें क्या करना, हमने मान के चला कि जो ई है वो इनसाइड फेस कर रहा है, अभी फिलहाल के लिए ई इनसाइड फेस कर रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये मान लिया कि ई कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा वन नंबर पे, और इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। अब ई के क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि ई जो है उसके तुरंत, अच्छा सॉरी, सेकेंड लेफ्ट की बात कर रहे थे यहाँ पर, ये सेकेंड लेफ्ट बोल रहे थे, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर क्या होना है, सेकेंड लेफ्ट आना है, राइट, मतलब कौन सा सेकंड लेफ्ट, मतलब ये वाला जो पर्सन है वो हेड के लिए बोल रहा होगा, राइट। इन्होंने बोला ये हेड के लिए बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है इसके सामने वाला पर्सन जो भी होगा वो टेल के लिए बोल रहा होगा। जब ये वाला पर्सन हेड के लिए बोल रहा है, तो ये सामने वाला कौन सा बोलेगा, टेल, क्योंकि ये हम बात समझ चुके हैं कि एक आम सामने वाले पर्सन में एक हेड बोलेगा तो एक टेल बोलेगा। अब जब ये ई आ चुका है, तो उसके सामने यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एफ आएगा। ये हमको बोला गया है कि ई के सामने एफ आना है, ये दोनों बातें हम यहाँ पर नोट डाउन कर ली हैं। अच्छा, और हम क्या देख सकते हैं, अभी हम इसको इरेज कर देंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी चेक करना है, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाए, तो हम चेक करेंगे ई आउटसाइड फेस कर रहा है, उसके दो ही यहाँ पर कंडीशन बन रही हैं। अच्छा, अभी उन्होंने हमको बोला कि जो बी है वो एफ के पास नहीं आना है, बी जो है वो एफ के पास नहीं आना है, ठीक है। अब एफ ये आ चुका, तो बी इसका मतलब यहाँ भी नहीं आएगा, बी यहाँ भी नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हैं हमसे कि बी जो है वो यहाँ पर दोनों साइड नहीं आना है। अच्छा, और जो बी है वो सी के लेफ्ट में आया है, बी जो है वो सी के लेफ्ट में आया है, और सी जो है वो टेल पे आया है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि सी हो सकता है, सी यहाँ पर हो, टेल यहाँ पर वैसे भी आना है सी, है ना, तो हो सकता है सी कहाँ पर हो, सी यहाँ पर हो। अब अगर सी यहाँ पर हम लेते हैं, तो इस साइड तो ई आ चुका, तो पॉसिबल नहीं, इस साइड भी आना नहीं है, इसका मतलब सी यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। अब हो सकता है सी यहाँ हो, सी अगर यहाँ होगा तो बी इस साइड पॉसिबल नहीं है, मना किया गया इस साइड, तो ई आया होगा, इसका मतलब सी यहाँ पर भी नहीं हो सकता। बस एक कंडीशन बच रही है कि हो सकता है कहाँ पर हो, सी यहाँ पर हो। अब अगर सी यहाँ पर होता है, तो सी यहाँ पर क्या होगा, सी यहाँ पर टेल की तरह काम करेगा, और सी के लेफ्ट में बी होना है, तो बी कहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर आएगा, और सी के लेफ्ट में होना है, तो सी कहाँ देखेगा, ये सी इनसाइड फेस करेगा, ठीक है, इनसाइड फेस कर रहा है, और
इसके लेफ्ट में क्या आ गया, बी आ गया, तो बी कहाँ फेस करेगा, आउटसाइड, क्योंकि बोला गया कि दोनों लोग जो है वो अलग अलग फेस कर रहे हैं, जब ये टेल है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हेड, राइट। तो हमने इसको भी यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि एफ के लेफ्ट में ए आ रहा है, अब एफ की एक साइड तो ई सी आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है ए यहाँ पर आएगा, अभी ए लेफ्ट में आना है तो ये कहाँ देखेगा, ये बाहर देखेगा, तभी ए इसके लेफ्ट में आ पाएगा। अच्छा, ये बात भी कंप्लीट हो गई। अब ये बोला गया है कि जो ए है उसके लेफ्ट वाला पर्सन कहाँ देख रहा है, उसके लेफ्ट वाला पर्सन जो भी है वो हेड के लिए कॉल करता है, राइट। अब जब ये जो ए ये हमारा ए है, अच्छा हमें ये भी तो बोला गया है कि तीन लोग जो है वो इनसाइड फेस करेंगे और तीन लोग जो है वो आउटसाइड फेस करेंगे, ये भी तो बोला गया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अंदर कितने लोग हो गए, एक साइड एक पर्सन ये हो गया और एक ये, दो लोग हो चुके हैं इनसाइड जो फेस कर रहे हैं, दो अब एक ही पर्सन होगा जो इनसाइड करेगा और एक पर्सन होगा जो आउटसाइड फेस करेगा, राइट। अच्छा, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, हमने एच और ई सेट कर दिया, मतलब ई और हेड वाला सेट हो गया, ओके। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पर और क्या करना है हमको, अब हमें बस ये देखना है कि एफ जो ए है उसके एक हेड वाला जो पर्सन, एक जो लेफ्ट वाला पर्सन है वो कहाँ देख रहा है, वो हेड के लिए कॉल करता है, राइट। ठीक है, तो ए के लेफ्ट में कौन कौन सा पर्सन आ रहा है, ए के लेफ्ट में आ रहा है हमारे पास ये वाला पर्सन, कोई भी हो सकता है, ए का लेफ्ट पता ही नहीं है अभी कि ए देख कहाँ रहा है, हो सकता है कि ये अंदर देख रहा हो, तो जो ये वाला पर्सन हो जाएगा ये हमारा हेड हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात देखो, यहाँ पर हमको बोला गया कि एफ जो है वो स्क्वायर टेबल में नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि जब स्क्वायर टेबल में नहीं आया इसका मतलब एफ जो है वो हेड पर नहीं होगा, एफ कहाँ पर आएगा, एफ हो जाएगा टेल, क्योंकि जब स्क्वायर टेबल में नहीं आया है, क्योंकि स्क्वायर में बोला गया था ना कि स्क्वायर वही लोग आने हैं जिन्होंने हेड के लिए बोला है और एक पर्सन और आना है, जब एफ आया ही नहीं है तो ना तो वो हेड में तो पक्का है कि वो नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये कहाँ देख रहा होगा, ये बाहर देख रहा होगा, तभी इसके लेफ्ट वाला हेड आ जाएगा, जब ये बाहर देखा तो अंदर देखेगा और ये हेड ये टेल है तो ये क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। इस तरह से हमारे ये सेट हो गया, आउटसाइड कौन देख रहा है, एफ ए और बी देख रहा है, बाकी अंदर देख रहा है, अब क्या बचा, ए बी सी और डी हमारा ये आ गया। तो ये हमारे जो हो गए वो सब अंदर यहाँ पर सेट हो चुके हैं, है ना, करेक्ट सेट हुए हैं। अब हमें क्या करना है, हेड वाले पर्सन को बाहर सेट करना है, हेड वाले पर्सन है कौन कौन से, एक एच है, एच वाला मतलब ए है, और कौन है, ई है और डी है, ई है और डी है, तो ये तो हेड वाले पहले से ही हैं, इनको तो हमें बाहर लिखना ही लिखना है, ए डी और ई। अब एफ आना नहीं है, अब कौन सा बचा टेल में, सी और बी, सी और बी में से कोई एक पर्सन आएगा जो कि बाहर आना है, अब पता नहीं कौन सा आना है, राइट। अच्छा ठीक है, और हमसे इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर सेट करने के लिए, ये सब तो सेट हो गया जो अंदर होना था, राइट। अच्छा, उसके अलावा अब आ जाओ स्क्वायर टेबल की बात करते हैं, ये सब सेट हो चुका, अब स्क्वायर टेबल सेट करेंगे। स्क्वायर में हमें क्या बोला गया है कि जो ए है और जो उसके सामने वाला पर्सन है वो जो दोनों पर्सन जो है वो अपोजिट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए जो है वो बाहर देख रहा है तो सामने वाला कहाँ देखेगा, कहाँ देखेगा, सामने वाला अंदर देखेगा। अब ये बोला कि डी और ई जो है वो आमने सामने देख रहे हैं, तो डी और ई को कर लेते हैं सेट, डी और ई आमने सामने बैठे हुए हैं, तो जस्ट सपोज कि डी यहाँ पर है और ई कहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, राइट। अब जब डी यहाँ पर आया है, डी यहाँ पर देखो कहाँ देख रहा है, अंदर देख रहा है, तो डी कहाँ देखेगा, अंदर देखेगा। अब ई कहाँ देख रहा है, ई अंदर देख रहा है, राइट, तो यहाँ भी कहाँ जाएगा, ई अंदर देखेगा, तो ये दोनों बातें यहाँ सेट हो गई। फिर बोला गया कि डी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में ए आना है, तो डी यहाँ पर आ चुका है तो ए यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट में ए, राइट। और यहाँ पे लिखा था ना ओनली, ये लिखा था ना कि ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओनली डी, डी केवल डी के ही लेफ्ट में है ए, राइट। अब ए कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, तो ए यहाँ भी बाहर देखेगा। ए के सामने वाला पर्सन जो भी होगा वो डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, मतलब ये बाहर देख रहा है तो ये कहाँ देखेगा, ये अंदर देखेगा। अब ए डी और ई तो हम सेट कर चुके, अब अंदर वाला पर्सन आना है यहाँ पे, तो अंदर कौन सा है, सी और बी में से, देखो बी तो बाहर देख रहा है तो सी ही होगा जो अंदर देख रहा है, तो इसका मतलब सी ही आएगा यहाँ पर, है ना। अब बस ये चेक कर लो कि क्या हमारा ये करेक्ट है। अब जो ये बोला गया है कि जो ई है, ई के जो लेफ्ट वाला पर्सन है वो कहाँ देख रहा है, आउटसाइड देख रहा है, ई ये लिखा हुआ है, ई के लेफ्ट वाला पर्सन कौन है, सी, और सी कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी ये पजल जो है गलत हो जाती है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रॉन्ग हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमको जो ई लेना था वो कहाँ लेना था, आउटसाइड लेना था, तो ये बात हमें यहाँ पर एंड में आके पता चली, और इस तरह से अब इसको हम फिर से पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ पर।
अब तो हमें कंडीशन लर्न हो गई है काफी सारी, तो हम जल्दी बना लेंगे अब इस पजल को। क्या बनाना है हमें को, हमें ये लेके चलना है कि जो अंदर ई एन बनाया था वो कहाँ देख रहा है, वो इनसाइड फेस कर रहा है, सॉरी आउटसाइड फेस कर रहा है। जब ई यहाँ पे रखेंगे हम, ई कहाँ देख रहा है, आउटसाइड फेस कर रहा है, राइट। ई के सामने वाला पर्सन कौन है, एफ है, ये हमारा सेट हो गया। अच्छा ये भी बताना है कि ई के लेफ्ट वाला, सेकंड लेफ्ट वाला जो पर्सन है वो हेड के लिए कॉल करता है, मतलब ये पर्सन हेड के लिए कॉल करेगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया था, फिर ये बोला गया है कि बी जो है वो एफ के पास होना नहीं है, मतलब बी यहाँ भी नहीं होना है, बी यहाँ भी नहीं होना है। और ये पर्सन जब हेड है तो ये पर्सन क्या होगा, ये पर्सन हो जाएगा टेल, ठीक है। इसका मतलब सी और बी जो है, देखो सी यहाँ पर पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पर बी नहीं आ पाएगा, सी यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर बी नहीं आ पाएगा, तो सी कहाँ पर आएगा, सी यहाँ पर आएगा। सी के लेफ्ट में बी आना है, इसका मतलब ये है कि जो सी है वो बाहर देख रहा होगा तभी लेफ्ट में यहाँ पर बी पॉसिबल है। जब ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर फेस करेगा, है ना, ये बात तो हमें याद हो चुकी थी अब तक, हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अच्छा उसके अलावा ए के लेफ्ट में, सॉरी एफ के लेफ्ट में ए आना है, तो एफ ये आ चुका है, इधर सी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। अब लेफ्ट में है तो ये कहाँ देखेगा, ये तो इनसाइड फेस करेगा तभी लेफ्ट में ए आ पाएगा, तो ये बात भी यहाँ पर सेट हो गई। बी और एफ साथ में नहीं आया, ये भी सेट हो गया। बी और सी जो है वो अलग अलग देख रहे हैं, सी जो है वो टेल के लिए आया है, तो सी यहाँ पर टेल के लिए आ गया। जब ये टेल के लिए आया है तो ये वाला पर्सन हेड के लिए आएगा, ऑब्वियसली बात है, ये भी यहाँ पर सेट हो गया। ए के लेफ्ट वाला पर्सन जो है वो कहाँ, वो क्या है, वो जो है वो हेड के लिए, हेड के लिए कॉल करता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इनसाइड फेस करने वाले कितने लोग हो गए हैं, एक इनसाइड ये फेस कर रहा है, एक इनसाइड ये फेस कर रहा है। अच्छा यहाँ पर वही वाली बात है कि एफ जो है वो जब स्क्वायर डबल में आया नहीं है तो एफ जो है वो हेड नहीं होगा, एफ क्या होगा, एफ टेल होगा। जब ये टेल होगा तो ये वाला हेड पर्सन हो गया, तो इसके मतलब ए के लेफ्ट वाला पर्सन कौन सा, ये वाला क्या होगा, हेड होगा, है ना। तो इसका मतलब ये इनसाइड फेस करेगा तभी लेफ्ट वाला हेड हो पाएगा। ये है कौन सा पर्सन, ये है ए, इसको अच्छा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, और फिर क्या रह गया, डी। ई और एफ तो यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम डी को और लिख लेते हैं, ये आ गया हमारा डी। तो इस तरह से ये इनसाइड सर्कल तो हमारा सेट हो चुका है। अब आ जाते हैं स्क्वायर वाले पे सेट करने के लिए। स्क्वायर के लिए हमें क्या बोला गया था, हमें स्क्वायर के लिए बोला गया है, देखो कंडीशंस ये बोली गई हैं कि ए के सामने, सॉरी ए को तो भी मना ही करते हैं, ये बोला गया है कि डी के सामने ई आना है, राइट। तो ये मान लिया हमने डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो अच्छा डी फेस कहाँ कर रहा है अभी हमें, अच्छा यहाँ पता लग जाएगा। इनसाइड देखो, एक इनसाइड, दो इनसाइड और तीन इनसाइड हो चुके हैं, इसका मतलब डी कहाँ कर रहा होगा, डी आउटसाइड फेस कर रहा होगा। आउटसाइड कर रहा है तो यहाँ भी आउटसाइड फेस करेगा, आउटसाइड फेस कर रहा है। डी के सामने कौन सा पर्सन है, ई, ई कहाँ फेस कर रहा है, आउटसाइड, तो ये भी आउटसाइड आ गया, तो ये बात कन्फर्म हो गई यहाँ से। अब ये बोला गया है कि ए के लेफ्ट में आना है, ए नहीं, डी के लेफ्ट में ए आना है, तो डी का लेफ्ट कहाँ आएगा, ये आएगा। ए कहाँ फेस कर रहा है, इनसाइड, तो ये भी इनसाइड फेस करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये सेट हो गया। अच्छा ये बोला गया था कि ए केवल और केवल डी के लेफ्ट में है, तो सही बात है, डी के लेफ्ट में है, ई के तो ये राइट में हो रहा है ना, तो ये करेक्ट बन रहा है हमारा अभी इसका मतलब। अच्छा ये भी बोला गया था कि जो ई है उसके लेफ्ट वाला आउटसाइड देख रहा है, ई के लेफ्ट वाला ये वाला पर्सन होगा, ये कहाँ देखेगा, आउटसाइड फेस करेगा। अभी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर हेड वाले बाहर आने और एक टेल वाला आना है, तो हेड वाले कौन कौन से हो गए यहाँ पर, देखो हेड हो गया ए, हेड हो गया डी, और हेड हो गया कौन सा, ई, ए डी ई तो आ चुके। अब टेल वालों में एफ आना नहीं है, बोला गया है एफ आना नहीं है, तो सी और बी आएंगे, कौन कौन सा आएगा, सी या बी में से कोई एक आएगा। अब आउटसाइड कौन फेस कर रहा है, सी कर रहा है या बी कर रहा है, कौन कर रहा है, देखो सी कर रहा है, बी तो इनसाइड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पर्सन आएगा, सी आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारा ये कन्फर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। और ए और ई, देखो यहाँ बोला गया ए के सामने वाला जो पर्सन है वो आउट डिफरेंट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये ए देखो अंदर देख रहा है और सी कहाँ देख रहा है, बाहर देख रहा है, इसका मतलब ये सारी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, और ये जो है ये हमारा राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। इसको एज कर देते जस्ट कि हमें अभी आंसर करना है तो हमें कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को, हमने पहले कंडीशन लिखी, दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, ए की, ई की, एक बार इनसाइड वाली, एक बार आउटसाइड वाली, दोनों को रख के हमने चेक करा, और काफ़ी एंड में, बिल्कुल एंड में आके हमारा जो था वो हमारे कंडीशन गलत हुई कि ई जो है वो आउटसाइड फेस कर रहा है, ये हमें बहुत एंड में पता लग पाया। इस तरह से हमने इसको निकाल लिया आंसर। क्वेश्चन देखते हैं क्या हमें यहाँ दे रखे हैं। बोला गया हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्स फॉर हेड, हेड के लिए यहाँ पर चार लोग बोले गए थे, कौन कौन से बोले गए थे, ए डी ई और एक सी, है ना, हेड, हेड के लिए तो चार, तीन लोग बोले गए, ए डी और ई, सी तो बाहर आया है केवल, तो ए डी ई में यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, ए दे रखा है, तो ए इज राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज राइट हेयर।
हु मूव्ड फॉर टू द स्क्वायर, स्क्वायर में किस किसने मूव किया है, स्क्वायर मूव किया है, सिंपल सी बात है, ए डी ई, ए डी ई और सी, टी चार लोगों ने मूव किया है ना, देखो ए डी ई और सी, तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें सी और डी दोनों दे रखे हैं, मतलब ऑप्शन ई यहाँ पर हम टिक करेंगे, बोथ सी एंड डी, राइट। फिर क्या बोला गया है, सी के अपोजिट कौन बैठा है सर्कुलर टेबल में, है ना, चेक कर लो, सर्कुलर में ये है सी, कौन बैठा है उल्टा, इसके डी बैठा हुआ है, राइट, तो डी ऑप्शन, डी आंसर टिक कर देंगे, डी मीन्स ऑप्शन बी इज राइट हेयर। नेक्स्ट बोल रहे हैं सी के इमीडिएट राइट में कौन है, सी के इमीडिएट राइट में कौन है और स्क्वायर टेबल में, है ना, स्क्वायर टेबल में चेक करते हैं, स्क्वायर टेबल ये वाली है, सी ये लिखा हुआ, राइट में कौन आ जाएगा, इसके ई आ जाएगा, तो ई इज राइट आंसर हेयर, ई मीन्स ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं बी के लेफ्ट में कौन है, बी के सेकेंड लेफ्ट में, तो बी देखो बी कहाँ लिखा हुआ है, बी ये लिखा हुआ है, बी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, एफ, एफ इनसाइड फेस कर रहा है और एफ के पास टेल है, एफ है यहाँ पर, चेक कर लेते हैं, हाँ एफ दे रखा है डायरेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर टिक कर देंगे, सी इज राइट हेयर, ऑप्शन सी एफ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी पजल कंप्लीट होती है, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी अच्छी थी, इस टाइप की पजल्स, फिगर बेस्ड पजल एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछी जाती है, तो इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से करें, अगर आप बना लिया तो आंसर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा, आप चेक कर ले सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।